जरूरत है एक उम्मीद की, वो किरण जो बंद दरवाजों में से भी अपना रास्ता निकाल देती, झूठी या सच्ची, पक्की या कच्ची, एक कहानी जो जरूरत है दिल की, कुछ सीख सिखाती है जिंदगी की। उम्मीद के जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो खुलती है एक खिड़की। जफर, जफर, कितनी बार मना करा है, बिना बताए मत आया करो। बता कर आया हूं क्या कभी? तभी मैंने बोला ना, माफ कर। तुम अंदर गए क्या? कुछ है क्या अंदर? नहीं, ऐसी आज कैसे अचानक? यही पास में मेरा एक नाटक था तो मैंने सोचा मिलते चलूंगा। जिंदगी में कुछ और करना है यार, यही नाटक कर लेंगे। पानी पिया तुमने? पानी लेकर ठंडा पानी पियो। हाँ ठंडा पानी। कुछ खाने वाला? नहीं माधव, छुट्टी ले लेता हूँ। नाटक नहीं करता ना मैं, काम करता हूँ। अभी जाना है दफ्तर दोबारा। कोई बात है क्या माधव? नहीं सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। सब हाँ सब ठीक है, मैं काम काज सब सब बढ़िया है। क्या हो सकता है? तुम मुझसे नाराज हो गया? नहीं, वो परसों की बात से। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अरे ऐसा ही है। और देखो नाराज होने वाली बात भी थी, मैंने उस समय भी माफी मांगी थी, आज भी माफी मांगी। मैंने कर दिया। अरे ऐसे कैसे माफ कर दिया? माफ कर दो माधव भाई। अरे मैं अरे माधव दादा अरे लेकिन कुछ नहीं माधव दादा मुझे बात तो माधव दादा अरे माफ कर। हर बात पे मजाक ठीक नहीं होता, कह रहा हूं ना माफ कर दिया। अरे यार तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कोई बच्चे हो। बच्चा नहीं हूँ माधव, मुझे ऐसा लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा। कुछ नहीं हूँ। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे? कुछ भी नहीं है। मुझसे कुछ छुपा रहे? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे? अरे नहीं है ना। तुम मुझसे पक्का कुछ छुपा रहे? मैं क्यों तुमसे छुपाऊंगा? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे? ऐसे कुछ भी नहीं है। मुझसे कुछ छुपा रहे? मेरे घर बच्चा है। संतान नहीं है। मेरी बीवी कब से एक बच्चा गोद लेने की सोच रही थी।
मैं इसके सख्त खिलाफ था। मैं क्यों किसी और के बच्चे को पालू, मैं क्यों किसी और के बच्चे को प्यार दूं जो मुझे अपने बच्चे को देना चाहिए। मैं क्यों किसी और के बच्चे पर अपने पैसे खर्च करूं। लेकिन जब से मेरी जिंदगी में आया मैं बिल्कुल बदल चुका हूं। मैं हंसता हूं, गाता हूं, खेलता हूं, सब सब बिल्कुल बदल चुका है। उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला कि बाहर की हवा पानी धूप सब उसके लिए जहर के बराबर है। और इसलिए मैं चाहता था कि तुम यहां ना हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जो बच्चों को बाहर ले जाता है, खिलाता है, घुमाता है, तो तुम उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मादा मुझे कुछ ऐसे खेल भी आते हैं जो घर के अंदर खिलाए जा सकते हैं। देखो तुम्हें आते होंगे, तुम बहुत बड़े कलाकार हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ होना इस समय पर बिल्कुल ठीक नहीं है। मादा मुझे एक बार उससे मिलने का मौका तो दो। नहीं नहीं तुम चले जाओ। लेकिन याद रखना मैं बिना बताए भी आ जाता हूँ। माधव, उसका नाम क्या है? सेहत के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना। और हाँ,
अपने पहाड़े याद कर लेना। आपको कैसे पता? अबू हर चिट्ठी में यही तो लिखते हैं। और आप करते हो? मुझसे होता ही नहीं है। अब वो इतने प्यार से लिखते हैं, करना चाहिए ना। अम्मी खालिद, अपनी अम्मी का ख्याल रखना, तुम्हारे प्यारे अबू। चलो। और अबू आएंगे कब? अरे लिखा तो है कि वो जल्दी आएंगे। तुम अपने पहाड़े के पहाड़े पूरा करो खालिद, वो मैं आकर देखूंगी। अम्मी 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 क्या हुआ अम्मी? मुझे इन आवाज से बहुत डर लगता है, आप भी अंदर आ जाओ अम्मी। अरे अम्मी खालिद महज आवाजें हैं, बाहर आ जाओ। नहीं मैं रात भर सो नहीं पाता। अच्छा मेरा हाथ लो, चलो चलो अब बाहर आ जाओ। नहीं खालिद बाहर आ जाओ, मैंने सारी सेवैया मैं खुद खा जाऊंगी। अम्मी नहीं तुम नहीं आओगे बाहर? नहीं बिल्कुल नहीं आने वाले। नहीं अम्मी। अच्छा ठीक मैं ही आ जाऊंगी अम्मी। देखा चली गई आवाजें। अम्मी आप इनके चलाने वाले से कह दें कि हमारे घर के ऊपर से ना गुजरे। अच्छा हाँ ठीक। और अगर अगली बारी आए ना तो मैं इन्हें अपनी बंदूक से उड़ा दूंगा। अच्छा हाँ कौन सी बंदूक? अरे वो जो अपू ने ईद दिलाई थी। अच्छा हाँ अम्मी मैं एक काम करूंगा, उस बंदूक को लेके ना छत पे चढ़ जाऊंगा अम्मी। हाँ वो छत पे चढ़ के जो भी हमारे घर के ऊपर आएगा सबको उड़ा दूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ और मैं तो किसी से डरूंगा भी नहीं, मैं तो अपू का ताकतवर बेटा हूँ ना, और अपू ने तो मेरे को निशान लगाने में सिखाया। मैं डिस्काउंट डिस्काउंट करके सबको उड़ा दूंगा, जो भी मेरे सामने आएगा ना सबको, मैं उनसे डरूंगा भी नहीं। इससे पहले अम्मी 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 मजाक कर खा ले अम्मी अम्मी खा ले। अंकल हाँ वो उधर जो बहुत बड़ा सा पेड़ है ना उसके नीचे ना आंटी बैठ के चने छील रहे हैं। हाँ। और ना आंटी के सारे छीले हुए चने एक छोटी सी गिलहरी उठाके लेके जा रही है। और ना वो सारे चने पेड़ के ऊपर लेके जा रही है, पर ना खुद कुछ नहीं खा रही। तो मैं उधर जाके बैठ सकता हूँ? नहीं अमल, काश मैं गिलहरी होता। अमल यहाँ पर आओ, मैं कुछ लाया हूँ। बाथरूम नहीं जा सकता क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। अमल तो क्या डॉक्टर को सब पता होता है? हाँ। कैसे? क्योंकि वो लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। मुझे कैसे पता होगा अंकल, मैं तो कोई किताब नहीं पढ़ता ना। अमल पढ़े लिखे लोग भी ना बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे होते हैं, वो दिन भर घर पे बैठते हैं, कहीं भाग नहीं जाते और बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। ये देखो तुम्हारे लिए नई किताब लाया हूं। और जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो सब लोग बोलेंगे देखो अमल कितना पढ़ा लिखा है। नहीं अंकल मुझे पढ़ा लिखा नहीं बनना। क्या करना है मुझे तो ना अंकल, जो हमारी खिड़की से पहाड़ी दिखती है उसके पीछे जाके देखना है क्या है। अमल पहाड़ियां इसलिए नहीं होती कि तुम उसे पार कर पाओ, बल्कि पहाड़ियां तो इसलिए होती है कि
वो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं के बारे में बता सकती है कि हमारी जिंदगी कहाँ तक सीमित है। अरे नहीं अंकल, मुझे तो ऐसा लगता है कि ना, क्योंकि जमीन कुछ बोल तो सकती नहीं, वो अपने सारे सवाल इकट्ठा करके दूर से हाथ खड़ा करके हमें बुलाती है। को ये बात समझ ही नहीं पाता कि पढ़े लिखे लोग तुम्हारी जैसी पागल वाली बात नहीं करते। अंकल कल ना मुझे मेरी जैसे एक पागल मिला था। कौन मिला था? पता नहीं, पर ना उन्होंने फटे पुराने जूते डाले हुए थे, उनके पास एक मटका था और एक पोटली भी थी। तो वो ना, मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि पता नहीं कहीं पे भी। फिर मैंने उनसे दोबारा पूछा कि वो क्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया वो काम ढूंढने जा रहे हैं। आप भी काम ढूंढने जाते थे? सबको काम ढूंढने जाना होता है अंकल। तो मैं भी जाऊँगा। हाँ जब तुम बड़े हो जाओगे। तो अंकल देखना, फिर तो मैं बहुत दूर तक जाऊँगा, पहाड़ी के भी पीछे। और तुम्हें फिर भी काम नहीं मिला तो कितना अच्छा होगा ना अंकल, मैं और दूर जा पाऊंगा और भी ज्यादा लोगों से काम मांग पाऊंगा। तुम्हारे लिए नई किताबें लाए हूं, पढ़ लेना और तुम अनजानों से बात नहीं करूंगा। पर अंकल मुझे तो अनजानों से बात करना अच्छा लगता है। और किसी दिन कोई अनजान तुम्हें ले गया तो फिर तो मजा ही आ जाएगा अंकल, पढ़ियों को तो मुझे बाहर लेके जाएंगे। किताबें लाए पढ़ लेना और अनजानों से बात नहीं करोगे। और अंकल मैं खिड़की पर बैठ सकता हूँ। क्या कर रहे हो खालिद? खाना खा रहा हूँ। तो सीधे बैठ के खा लो ना। नहीं क्यों जिद कर रहे हो, बैठ जाओ सीधे। Thank you.
नहीं है तो फिर हमको क्यों बुलाया? अरे मैं तुमसे जाई तो नहीं ले सकता, वरना मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। हमारे साथ? हाँ हमारे साथ जाकर क्या करोगे? अरे जब तुम उद्योग से आ रहे थे ना, मुझे तुम्हारा गाना सुन के ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ना मेरा मन कर रहा था मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँ नाश्ता हुआ। तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। करते क्या हो तुम? तो कुछ नहीं करता, यहीं पर ही बैठा रहता हूँ, मुझे मैं बाहर नहीं जा सकता ना। हुआ क्या है तुम्हें? पता नहीं, पर डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने से मना किया। अब तुम कहाँ से आते हो? हम यही गांव से बाबा। तुम्हारा गांव बहुत दूर है क्या? अरे नहीं नहीं, यही शामोली नदी के किनारे पंचमुड़ा पहाड़ी के पास। तुम पहाड़ी के पीछे रहते हो? अरे नहीं नहीं बाबा, पास में। मुझे लगता है मैंने तुम्हारा गांव कभी देखा है। तुम्हारा गांव वही तो नहीं जो लालझड़ के पास बड़े से पेड़ के नीचे बना है? हाँ बाबा हाँ। और जहाँ पर गाय बकरियां घास चरती रहती है? हाँ बाबा। और जहाँ पर औरतें लाल साड़ी पहनकर पानी लेने जाती है? हाँ बाबा। लगता है तुम हमारे गांव पक्का गए हो। अरे नहीं, मैं तुम्हारे गांव कभी नहीं गया, पर जब मैं ठीक हो जाऊंगा तुम मुझे लेके चलोगे? बिल्कुल, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत खराब है बाबा, अब हमको ही देख लो। हमारा काम कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, दिन भर दही बेचना, इस गली से जाकर उस गली दही बेचो, और मिलता क्या है? 5-8 टका। इससे जिंदगी नहीं चलता। इससे तो अच्छा है कि घर में बैठो और खूब पढ़ाई करो, पढ़ाई करके बड़ा इंसान बनो। हमारे काम में कुछ नहीं रखा बाबा। अरे नहीं, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है, रोज सुबह अपनी मीठी दही लेके निकलना और गांव से गांव जाके गली से गली जाके सबको अपनी मीठी दही खिलाना और अपना मीठा गाना भी सुनाना, जिसे सुन के सारी गिलहरियां आसपास नाचने लगती है, और फिर कभी खुद को भूख लगे तो खुद की दही खुद ही खा लेना। तुम्हारा काम तो कितना अच्छा है, तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारा काम बुरा है? बाबा काम तो अच्छा है। तुम दही लोगे? पर मेरे पास पैसे नहीं है ना। अरे तुम हमारा दही लोगे तो हमको अच्छा लगे। अरे मैंने तुम्हें बहुत देर तक रोक के रखा क्या? अरे नहीं नहीं बाबा, बल्कि तुमने तो हमको सिखाया कैसे हम दही बेचकर भी खुश रह सकते। अच्छा बाबा चलता हूँ। हम सब यहां से जा रहे हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि आप भी हमारे साथ चलिए। अब जाएं कहां? अरे कहीं भी जाएंगे, बस इन सब से दूर,
तंग आ चुका हूँ मैं अपनी बेटी के सवालों का जवाब दे देकर, कब तक झूठ के साए में रखू मैं उसे। भाईजान, आपका घर है यहाँ, आपका कारोबार है यहाँ। मैं मानता हूँ भाभी जी कि घर है कारोबार है, पर अब घर कारोबार के लिए अपने परिवार की बलि थोड़ी चढ़ा दूं मैं। भाईजान, ये सब एकदम से क्यों? एकदम से? अरे लोग पागल हो गए हैं, वो हुकूमत के खिलाफ बगावत को उतर आए हैं, और अब तो पर्चे भी गिरने लगे जिनमें साफ साफ लिखा है कि जो भी हुकूमत के खिलाफ बगावत करेगा वो उसे सरेआम गोली मार देंगे। पर भाईजान, ये तो उनके लिए है ना जो हुकूमत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, हम तो यहाँ कुछ नहीं कर रहे, हम बस यहाँ जी रहे हैं। भाभी जी, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, अगर एक उनके खिलाफ खड़ा होगा तो कल को वो 100 को मारेंगे, पर भगवान ना करे उन 100 में मेरी बेटी या आपका बेटा हो तो। भाईजान, देखिए, मैं समझती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, पर खालिद को लेकर अब यहां से नहीं जा सकती, हमारा कोई नहीं है बाहर, आप भी जा रहे, खालिद के अब्बू अभी तो हमें ढूंढ रहे, यही आएंगे ना। क्या खालिद के अब्बू भाभी जी, क्या खालिद के अब्बू, अरे कब तक सपनों की दुनिया में जिएंगी आप? पर आप मुझे क्या गोले वाली बात बोल रही थी, आप अपने आप से पूछिए कि कितनी दफा आपने झूठी चिट्ठियां लिखकर खालिद को दी है, और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि उसके अब्बू वापस नहीं आने वाले। देखिए मुझे माफ कीजिए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस आपसे ये बोल रहा था कि हम सब यहां से जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ चलिए। देखिए मेरा काम था आपको इत्तला करना, वो मैंने कर दिया, अब आपको आना है या नहीं या आपकी मर्जी, पर कम से कम एक बार अपने बारे में नहीं तो उस नन्ही सी जान के बारे में तो सोचिए। जागता हूँ, जागना पड़ता है, क्यों काम ही कुछ ऐसा है,
रात भर इधर से उधर घूमो वो भी बिल्कुल अकेले। कभी कभी तो कुत्तों के साथ सोना पड़ता है। ना दिन का चैन है ना रात का आराम। बहुत बेकार नौकरी है, बहुत बेकार। अरे तुम्हारा काम तो कितना अच्छा हुआ ना फिर। कैसे? तुम रोज रात को घूमने जा सकते हो बिना किसी रोक टोक के। गांव की सारी गलियों में जाना और लोगों की रक्षा करना तो कितना अच्छा काम है। और फिर चांद की रोशनी में तारों को देखते हुए बस घूमते रहना और घूमते रहना, कितना अच्छा काम है। हाँ काम तो अच्छा है। अरे वो तो पहले हम ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम अच्छा लड़का है, हमको पसंद आया तुम। अच्छा ये बताओ तुम उस पहाड़ी के पीछे गए हो? कौन सा पहाड़ी? अरे वो वाली। अरे वो जो सामने दिख रहा है। हाँ उसके पीछे तो कई बार गया हूँ। तुम सच में पहाड़ी के पीछे गए हो? हाँ उसके पीछे तो रोज का आना जाना है। तो मुझे बताओ उसके पीछे क्या है? उसके पीछे कुछ खास नहीं है ना। तो मतलब तुम नहीं गए? अरे गया हूँ। तो बताओ। अरे बाबा उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे एक राजा रहता है। राजा? हाँ राजा रहता है। ये राजा क्या होता है? तुमको नहीं पता राजा क्या होता है? अरे बाबा राजा बताओ ना। अरे अरे बाबा राजा एक बहुत अच्छा आदमी होता है जो सबका दुख दर्द दूर कर देता है, सबको खुश रखता है राजा। तुम मुझे ठीक कर सकते हैं? लेकिन तुमको क्या हुआ है? पता नहीं पर ना डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने से मना किया। अच्छा हाँ तुमको भी ठीक कर देगा, एकदम ठीक कर देगा राजा। फिर मैं बाहर जा सकूंगा? हाँ तुम भी बाहर जाना, खेलना कूदना। हाँ तो मुझे राजा के पास लेके चलो। है बाबा ऐसा उल्टी बात क्यों करता है? रात को राजा नहीं मिलता है किसी से इस समय। तो हम कल सुबह चले। अरे नहीं नहीं सुबह भी नहीं मिलता राजा किसी से। तो फिर कब मिलता है राजा? तब मिलता है जब राजा का चिट्ठी आता है। तुम चिट्ठी लेने चलते हैं? अरे नहीं हमको हमारा काम याद आ गया है। पागल लड़का रात को राजा का बात करता है जब राजा है। बंद है अम्मी हम लोग जाएंगे ना वहां पे।
उम्मीद कितना मजा आएगा तमाशे में। अभी आने तो दो तमाशे को। मैं उस मोती को बोल के आता हूँ। सुधा, सुधा। खालिद, खिड़की बंद कर दो। शाम हो गई है, कल बात कर लेना। अम्मी, आप सुबह जल्दी उठा देना मुझे। ठीक। Thank you.
के खेल होता है। मुझे सिखाओगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं सिखाना। अरे अपना नाम क्या बता रहे? अरे बाबा मेरा नाम सुधा है। सुधा, तुम काम क्या करती हो? तुम क्या काम करते हो? मैं तो कोई काम नहीं करता। हाँ तो मैं फूल तोड़ती हूँ। ये कैसा काम है? तुम्हें पता है फूल तोड़ने में कितनी सारी मेहनत लगती है? नहीं, फूल तोड़ना सबसे आसान काम है, कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। पर तुम तो यहाँ पे नए हो ना, तुम्हें तो ये भी नहीं पता यहाँ फूल मिलते हैं कहाँ पे। तुम्हें फूलों के बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं, मुझे ना फूलों के बारे में बहुत कुछ पता है। मैंने ना चंपा की बहुत सारी कहानियां पढ़ी है, उसमें ना फूलों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, और ना मैंने वो सब कुछ पढ़ भी रखा है, तो मुझे फूलों के बारे में सब कुछ पता है। पर फिर भी तुम इतने सारे फूल नहीं तोड़ सकते। अगर मैं बाहर जा सकता ना तो तुम्हें बताता मैं कितने सारे फूल तोड़ सकता हूँ। तुम बाहर नहीं जाते? नहीं। क्यों? पता नहीं, पर डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने से मना किया। अरे मामा डॉक्टर! हाँ। तुम्हारी तो तबीयत खराब है, चलो खिड़की बंद करो। नहीं, देखो बाकी सब बंद है, सिर्फ यही तो खुली है। मैं क्या बताऊँ अंदर बैठना। काश मैं तुम्हारी तरह पूरे दिन घर में बैठ पाती। पूरा दिन? हाँ। और क्या करती? मैं ना अपनी बिल्ली के साथ खेलती, अपनी गुड़िया के ढेर सारे कपड़े सिलती, और पूरा दिन उसके साथ खेलती रहती, और पूरे घर में यहाँ वहाँ डोलती रहती, और इतना सारा खाना खाती कि पेट फट जाता, और फिर खाना खाती और सो जाती, फिर खाना खाती फिर सो जाती, खाना खाती सो जाती, और पूरा दिन सोती रहती। सोती क्यों रहती? बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है बाहर कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है? फूल तोड़ना इतना आसान काम नहीं होता है। हर मौसम में फूल तोड़ने जाना पड़ता है, कभी गर्मी में, कभी बारिश में, और कभी सर्दी में, और कभी तो ऐसा हो जाता है कि फूल भी नहीं मिलते। तो तुम रोज बाहर जा सकती हो, गर्मी में भी, सर्दी में भी, और बारिश में भी। तो तुम्हारा काम तो कितना अच्छा हुआ, तुम जाके खुले मैदान में फूल झुकती हो और फिर क्रिकेट खेलते हुए घर आ जाती हो। तुम्हारे तो सारे दोस्त बन गए होंगे ना? मेरा तो यहाँ कोई दोस्त नहीं है। तुम बहुत अजीब बातें करते हो। अच्छा तुम उस पहाड़ी के पीछे गई हो? पहाड़ी के पीछे? तुम्हें पता है पहाड़ी के पीछे राजा रहता है? पहाड़ी के पीछे राजा रहता है? अरे मुझे तो पता है पहाड़ी के पीछे राजा रहता है। और तुम्हारे इस राजे के चक्कर में मैं ये भूल गई कि मुझे देर हो रही है। अरे अरे तुमने मुझे फूल तो दिया ही नहीं। मैं तुम्हें अपने फूल क्यों दूं? तुम मुझे फूल नहीं दोगी तो मैं ठीक कैसे होऊंगा? पर इसके लिए तो पैसे लगते हैं ना। पैसे तो नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। हाँ तो मैं भी तुम्हें बाद में दे दूंगी। नहीं तुम भूल जाओ। मैं नहीं भूलूंगी। अरे तुम पक्का भूल जाओगी। मैं नहीं भूलती। अच्छा अच्छा याद रखना मेरा नाम अमल है। हाँ हाँ मैं याद रखूंगी कि तुम्हारा नाम अमल है और तुम यहाँ पे नए हो। सुधा, 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 ओए मोटी सुधा, क्या है खालिद? मैं सो रही थी ना। तू अब तक सो रही थी? हाँ। क्यों? क्यों क्या, इतनी सुबह सुबह सोते नहीं तो क्या करते? अच्छा इतनी सुबह तक सोते हैं? हाँ। नहीं जी सुधा। क्या है? अबे उठना मोटी। मैं मोटी नहीं, तू मोटा। तू बहुत बड़ी झूठी है। झूठी? हाँ। मैं क्यों झूठी? तूने मुझसे झूठ बोला था। मैंने कौन सा झूठ बोला? तूने नहीं बोला था कि वो जो जहाज है उनसे गोले बरसेंगे? हाँ तो बरसेंगे। नहीं जी उनसे तो बहुत सारे पर्चे गिरे हैं। पर्चे? हाँ। तुझे कैसे पता? मैं ही तो गया था छत पे लेने। लेकिन मैंने तो पापा को बोलते सुना था कि गोले बरसेंगे। तुझे कुछ नहीं पता, तेरे पापा ने कुछ और बोला होगा। हाँ शायद, मैंने कुछ और सुना। और तू रात को आई क्यों नहीं? मैं तो तेरे को आवाज लगाई थी। पापा ने आने ही नहीं दिया। क्यों? मुझे नहीं पता, पापा मम्मी मुझे बाहर ही नहीं जाने देते, मुझे कुछ बताते भी नहीं है।
कुछ अजीब सा है और पता है खाले कुछ भी पहले जैसे नहीं। वो ना मुझसे कुछ छुपा रहे हैं मगर क्या क्या बोल रही है? क्यों बनाया मुझे? अरे सुधा तेरे को पता है बाजार क्यों बंद है? इतनी सुबह सुबह कौन से बाजार खुलते हैं खाले? अच्छा ये बता ये स्कूल क्यों बंद है? मुझे नहीं। और ये जहाज क्यों जा रहे घर के ऊपर से? अरे पापा मुझे नहीं पता, तुझे पता है? हाँ? तो तू बता। आज शाम को तमाशा होने वाला है। तमाशा? कैसा तमाशा? अरे वो मेला जो बाजार में लगता है। हाँ। जहाँ पे हम जाते थे। हाँ। तुझे पता है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े झूले होंगे और बहुत सारे खिलौने भी। मैं तो अम्मी के साथ जा रहा हूँ वहाँ पे नया वाला कुर्ता पजामा पहन के जो अबू ने ईद पे दिलाया था ना वही। तो तू चलेगी ना? हाँ और मैं अपना वो। लेकिन पापा तो जाने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? वो पापा ने बोला है ना कि तेरे पापा आए थे अम्मी के पास। हाँ तो वो शायद इसी बारे में बात कर रहे थे। लेकिन मुझे पापा ने कुछ नहीं बताया। वो भूल गए होंगे। तू चलेगी ना? अच्छा ठीक है मैं भी चलूंगी। पक्का? हाँ पक्का। वादा कर। पक्का वादा। ठीक है तो चलेंगे, तो भूलना मत। हाँ 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 मैं नहीं भूलूंगी। अम्मी आज तुम तमाशे में जाएंगे ना? आपको पता है तमाशे में बहुत मजा आएगा और उस मेले में ना बहुत बड़े वाला झूला झूलूंगा मैं और अम्मी वहां पे जितनी खाने की चीजें होंगी ना सब खा जाऊंगा। अम्मी आपको पता है सुधा भी चल रही है हमारे साथ। अम्मी अम्मी बोलो ना हम कब जाएंगे? तुमने अपना काम किया वो मैं आके कर लूंगा। अम्मी काम पूरा करो उसके बाद देखेंगे। पर फिर तमाशा शुरू हो जाएगा ना अम्मी? खालिद काम पहले पूरा करो उसके बाद। अम्मी और अगर तमाशा खत्म हो गया तो? छोड़ो नहीं जाओ। अम्मी देखो आवाजें आ रही हैं, तमाशा शुरू होने वाला है। खालिद अम्मी मैं छत पे जा रहा हूँ। खालिद मना किया है ना छत पे जाने से? अच्छा मैं खिड़की पे देख रहा हूँ। खालिद हम नहीं जा रहे तमाशे में। पर क्यों नहीं जा रहे? आपने बोला था हम जाएंगे। आपने अपना काम किया? नहीं ना हम नहीं जा रहे बस। आप बहुत बुरे हो। अम्मी मैं घर में परेशान हो जाता हूँ, कोई घर में भी नहीं आता और आप मुझे बाहर नहीं जाने देते। मैं किसके साथ खेलूं? आप भी मेरे साथ नहीं खेलते। अम्मी मेरे को तमाशे में जाना है। आप अपना काम पूरा करो पक्का देख।
उसके बहुत खून आ रहे हैं अम्मी, अम्मी उसको तो दर्द हो रहा होगा ना, अम्मी बोलो ना कुछ। अम्मी आपको याद है एक बार मेरे चाकू की नोक लगने से मेरे कितना दर्द हुआ था, मैं तमाम रात सो नहीं पाया था और आप और अब्बू मेरे सिराने बैठे रहे थे, उसके तो खून आ रहा है, उसको दर्द हो रहा होगा। अम्मी चलो ना हम उसकी मदद करते हैं। अम्मी अम्मी क्या उसको किसी ने मारा है? छड़ी लग गई होगी, उसे शरारत की होगी ना खालिद। पर स्कूल पर शरारत करने से तो छड़ी से सजा देते हैं, खून तो नहीं निकालते। छड़ी जोर से लग गई होगी तो उसके वालिद उसके मास्टर जी से खफा ना होंगे और वो उसे शिकायत ना करेंगे। आपको याद है एक बार मास्टर जी ने मेरा कान लाल कर दिया था तो अब्बू ने उनसे कितनी शिकायत की थी और उसकी तो खून आ रहा है। अम्मी अम्मी जी बहुत बड़े आदमी होंगे ना खाले, अल्लाह मियां से भी बड़े। तू अल्लाह मियां से शिकायत करेंगे? अम्मी अम्मी मेरे को बहुत डर लग रहा है अम्मी, अगर मेरे को वो छड़ी लग गई तो वो मेरे ऐसे खून आ गया तो अम्मी खालिद अम्मी मेरे को तो बहुत दर्द होएगा। अम्मी खालिद मेरे को बहुत दर्द होएगा। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, अब तो अच्छे बच्चे हो ना और अम्मी है ना यहाँ पे खालिद। अब होते तो सब ठीक होता ना। खिड़की और दरवाजे खुलवा दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंकल जी ना, और सांस भी ढंग से आ रही है, मुझे लगता है मैं ना जल्दी ठीक हो जाऊंगा। शाबाश, पर अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो आप सो जाओ। नहीं मेरे लिए ना चिट्ठी आने वाली है, मैं कैसे सो सकता हूँ। जब आपकी चिट्ठी आएगी हम आपको उठा देंगे, ठीक है? अब आप सो जाओ। अमल जो कुछ भी महसूस कर रहा है ये इसके ठीक होने के लक्षण नहीं है। इसकी तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। माधव अब इसके पास और ज्यादा समय नहीं है, ये कुछ दवाइयां हैं उसे देते रहना। आपने वहां डब्बे में देखा
अगर जी टिया आ गई। इसमें लिखा है कि जो राजा है वो तुम्हें कल बुलाएंगे, है ना? तो कल हम दोनों साथ चलेंगे। चलो तुम सो जाओ। हाँ अंकल, आप ना मुझे कल जल्दी उठा देना। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल जल्दी उठा लूंगा। चलो आप सो जाओ। अंकल आप पक्का जाएंगे ना? पक्का जाएंगे। सुधा जल्दी करो, हमें देर हो रही है। उसे बोलना मैं उसे भूली नहीं हूँ।